नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म पे। इस प्लेटफॉर्म पे हम कॉमर्स एंड मैनेजमेंट रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर करेंगे टाइम टू टाइम, एंड आपके सामने बहुत सारे कोर्सेज लाएंगे जो कि कॉमर्स एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। तो एक्सपर्टाइज नॉलेज को गेन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी हम नए लेटेस्ट वीडियोज़ अपलोड करें वो आप तक पहुँच जाएँ। इस वीडियो के माध्यम से हम इनकम टैक्स के प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर को डिस्कस करने के बाद हम कुछ ऐसी इनकम को, कुछ ऐसी आय को देखेंगे जो असेस्ड होंगी उसी प्रीवियस ईयर में जिस प्रीवियस ईयर में वो अर्न हुई हैं। ठीक है, तो हम कुछ ऐसे केसेस देखेंगे, ठीक है, जिस प्रीवियस ईयर में हमने इनकम अर्न की उसी प्रीवियस ईयर में वो असेस्ड हो जाती है। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये लास्ट सेक्शन है, सी सेक्शन। ठीक है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, आप प्लीज़ रिकॉल कर लें असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमने ऑलरेडी कवर्ड किया है अगर न्यू बिजनेस या प्रोफेशन स्टार्ट हो रहा है तो उस केस में हम प्रीवियस ईयर क्या लेंगे। ठीक है, थर्ड केस हमने जो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, किसी प्रकार की अनडिस्क्लोज्ड इनकम्स हैं वगैरह हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं या कुछ भी वैल्यूएबल्स हैं, उसको कैसे डील करेंगे। ठीक है, और ये हमारा लास्ट पार्ट है जिसमें हम देखेंगे कि जो इनकम जो है प्रीवियस ईयर की, ठीक है, वो असेस्ड होंगी प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। ओके ओके, चलिए अब हम डिटेल में स्टडी करते हैं कि कौन कौन सी वैसी इनकम है। हमारा जो जनरल रूल है, जनरल रूल क्या है, जनरल रूल हमारा ये है कि प्रीवियस ईयर क्या होता है, जिस ईयर में इनकम हमने अर्न की होती है। ठीक है, आई अर्न, ठीक है, और असेसमेंट क्या होता है, ईयर फॉलोइंग टू द प्रीवियस ईयर, यानी जिस ईयर में इनकम पे टैक्स लगता है। ये हो गया हमारा जनरल रूल। ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं कि एक्सेप्शंस क्या हो गए, ये एक एक्सेप्शंस हुए जिसमें हम ये चेक करेंगे कि प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न तो हुई, ठीक है, बट वो टैक्स भी प्रीवियस ईयर में हो जाएगी, असेसमेंट ईयर में नहीं होगी। पांच ऐसे स्पेसिफिक केसेस हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। पहला केस है शिपिंग बिजनेस का। शिपिंग बिजनेस किसका शिपिंग बिजनेस है, एक नॉन रेसिडेंट्स का शिपिंग बिजनेस है। ठीक है, एक नॉन रेसिडेंट्स का शिपिंग बिजनेस है, कौन से सेक्शन में आता है, सेक्शन 172 में आता है वो। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्या है, पर्सन जो अपना देश छोड़ के जा रहा है, ठीक है, पर्सन लीविंग इंडिया, और उनकी कोई अपेक्षा नहीं है कि वो वापस लौट के आएंगे, ऐसे आसार दिख रहे हैं कि वो लौट के नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये आएगा सेक्शन 174 में। ओके, उसके बाद थर्ड, कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन बनी है, एओपी, बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन फ्रेम हुआ है, बना है, कोई फॉर्म हुआ है। ठीक है, फॉर्म हुआ है किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए कि ये इवेंट कंडक्ट करेंगे हमें, या किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, या किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, और वो पर्पस पूरा हो जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, प्रीवियस ईयर में जो इनकम होगी वो प्रीवियस ईयर में ही टैक्स हो जाएगी। ये कौन से सेक्शन में, सेक्शन 174A। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, ठीक है, पर्संस जो कि अपनी जो प्रॉपर्टीज हैं उसको ट्रांसफ़र करते हैं, इंटेंट क्या है कि वो टैक्स को अवॉइड करें। ठीक है, ये लगता है एसेसिंग ऑफिसर को अनुमान हो जाता है कि जो एसेसी है वो ट्रांसफ़र करने वाला है प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने वाला है टू अवॉइड टैक्स, ठीक है, ताकि वो टैक्स बचा सके। ठीक, ये कौन से सेक्शन में आएगा, ये सेक्शन 175 में आएगा। ओके, उसके बाद कोई बिजनेस डिसकंटिन्यूड होने वाला है, उसका पर्पस पूरा है या उसको ज़्यादा लॉस हो रहा है और वो आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, कोई भी एक्स वाई जेड रीज़न होता है, ठीक है, और वो डिसकंटिन्यूड होने जा रहा है बिजनेस, ठीक है, डिसकंटिन्यूड होने जा रहा है बिजनेस, तो उस केस में क्या होगा, ये होगा सेक्शन 176 के अंडर में। ठीक है, मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर दे रही हूँ सारे पॉइंट्स को। ठीक है, पहला बात है शिपिंग बिजनेस का। ठीक है, अगर शिपिंग बिजनेस है जो कि बिलोंग करती है किसी नॉन रेसिडेंट को, चाहे वो कोई भी चीज़ कैरी कर रही हो, ठीक है, मैं थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स लिखना चाहूँगी। ठीक है, शिपिंग बिजनेस मैं केवल हेडिंग दे दे रही हूँ। ठीक है, पहली बात इसमें क्या बोली है, वो बिलोंग होना चाहिए किसके, नॉन रेसिडेंट को बिलोंग होना चाहिए। ठीक है,
वो शिपिंग बिजनेस, और उसके बाद दूसरी बात क्या, वो कुछ भी कैरी कर रहा हो या वो पैसेंजर कैरी कर रहा हो, कोई ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, या वो जीवित व्यक्ति जैसे गाय कब और आपके पिक कोई भी जानवर कैरी कर रहा हो, लाइव स्टॉक कर रहा हो, ठीक है, या कोई ईमेल्स सॉरी मेल्स वगैरह को कंडक्ट कर रहा हो, या किसी भी प्रकार के गुड्स को कैरी कर रहा हो, ठीक है, कहाँ पे जो पोर्ट है वो इंडिया में सेटअप है वहाँ पे उसने वो कैरी किया हो, ठीक है, तो वो उस शिप को उस कैरेज को ले जाना तभी अलाउड करेंगे, वो उसी कंडीशन पे ले जाना अलाउ करेंगे जब वो जो पर्सन है जो होल्डर है उसका, ठीक है, वो पोर्ट लीव तभी कर सकता है, या तो उसने टैक्स पे कर देनी है, टैक्स पे कर देनी है, ठीक है, जब उसने टैक्स पे कर देनी है तो बात खत्म हो गई, वो छोड़ के जा सकता है, अगर वो टैक्स पे नहीं कर रहा है तो एक उसको अरेंजमेंट कर देनी है, ठीक है, अरेंजमेंट किसकी करनी है, यही पेमेंट की, टैक्स के पेमेंट की उसने अरेंजमेंट कर देनी है, ठीक है, फिर इससे क्या होगा, जब ये चीज़ें हो जाती हैं, ये तीनों चीज़ें आप ध्यान देंगे, वो बिलोंग कैरेज जो है बिलोंग करना चाहिए नॉन रेजिडेंट का, दूसरा वो कोई भी चीज़ कैरी कर रहा हो कहाँ पे, इंडियन पोर्ट पे, ठीक है, फिर वो तभी निकलना उसको अलाउ हो सकता है जब वो है तो उसने टैक्स पे कर दिया हो या उसने एक सेटिस्फैक्ट्री अरेंजमेंट कर दी हो, तब क्या होगा, जो एसएससी निकल रहा होगा, जो भी पर्सन निकल रहा होगा इंडिया के पोर्ट से, ठीक है, सॉरी जो भी पर्सन निकल रहा होगा इंडिया के पोर्ट से, ठीक है, उसको उसके हाथ में क्या होगा, टैक्स लगेगा, किस इनकम पे, 7 पॉइंट, एकदम ध्यान देंगे, 7.5%, किसका, जो भी फ्रेट उसने पे किया होगा, ठीक है, जो भी उसने फ्रेट पे किया होगा या पेबल करने वाला होगा, उसे सेटिस्फेक्ट्री अरेंजमेंट कर दी होगी ओनर को, ठीक है, या चार्टर को या किसी भी पर्सन को उनके बिहाफ में, ठीक है, चाहे इंडिया किसी को भी पे किया हो, एनीवन, ठीक है, किसी को भी वो पे करने की तैयारी कर चुका हो या पे कर चुका हो, किसी भी पर्सन को पे कर चुका हो कहाँ पे, कहीं पे भी, इन इंडिया हो, ठीक है, या आउटसाइड, क्योंकि पोर्ट पे खड़ी है ना, अब पोर्ट पे खड़ी है, अपने इंडिया के पोर्ट पे खड़ी हुई है, तो चाहे उसने इंडिया में अरेंजमेंट किया हो या इंडिया के बाहर में अरेंजमेंट किया हो, इसको क्या माना जाएगा, डीम्ड इनकम, ध्यान देंगे, डीम्ड इनकम माना जाएगा किसका, उस पर्सन का, ठीक है, और चार्जेबल होगा उसी ईयर में जिस ईयर में अर्न की है इनकम, ठीक है, तो जिस ईयर में अर्न की है उस ईयर में टैक्स लग जाएगा उस पर, कितना पोर्शन, केवल 7.5% पोर्शन, आई होप आपको क्लियर हो गया, चलिए उसके बाद सेकेंड हमारा जो क्लॉज था वो है हमारा पर्सन लिविंग इंडिया, कि ये दिखता है, ये इंटेंट दिखता है कि वो लौट के नहीं आएंगे, ठीक है, पर्सन लिविंग इंडिया, लिविंग इंडिया, ठीक है, सेक्शन 174, ये रह ऐसा लगता है कि वो लौट के नहीं आएंगे, एओ को क्या लगता है कि वो इंडिविजुअल जो छोड़ के जा रहा है या तो वो करंट असेसमेंट ईयर में छोड़ के जा रहा है या जल्दी वो छोड़ के चला जाएगा और उसका कोई इंटेंशन नहीं है कि वो वापस आए इंडिया में, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस पर्सन की जो टोटल इनकम होगी, ठीक है, फॉर द पीरियड फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है, मतलब अगर कोई भी लास्ट प्रीवियस ईयर गया हो वहाँ से ले करके, ठीक है, जो भी एक्सपायरी पीरियड होगी उसकी, ठीक है, जो भी डेट को वो जा रहा होगा, ये प्रोबेबल होगा कि वो उस डेट को डिपार्चर करेगा, इंडिया छोड़ के जाएगा, ठीक है, तब तक की इनकम जो है कैलकुलेट करेगा ये हो, और वो इंडिविजुअल के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी उसी सेम असेसमेंट ईयर में, ठीक है, उसी सेम पर्टिकुलर ईयर में जिस ईयर में वो डिपार्चर कर रहा होगा या देश को छोड़ के जा रहा होगा, ठीक है। थर्ड मैंने केस किया एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये किसी पर्पस के लिए बने थे, वो पर्पस उनका पूरा हो जाता है, ठीक है, या तो लगता है कि थोड़ा सा बाकी है जो कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर या नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में पूरा होगा, ठीक है, तो उनकी इनकम का क्या होगा, असेसमेंट होगा जो भी लास्ट प्रीवियस ईयर गया है उसके बाद से लेकर के कब तक, डेट ऑफ डिसोल्यूशन तक, यानी जब तक वो बंद नहीं हो रहा, ठीक है, और वो टैक्सेबल हो जाएगा किस ईयर में, उसी सेम प्रीवियस ईयर में जिस ईयर में वो डिसॉल्व हो रहा होगा, ठीक है, सेम ईयर में वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ये एक एक्सेप्शन था। उसके बाद फोर्थ मैंने जो आपको बताया वो क्या है कि एसएससी जो है ये लग रहा है एओ को कि वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है, टैक्स को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, कि एओ को लग रहा है कि वो सेल कर देगा या लीज पे दे देगा, ट्रांसफ़र कर देगा, कुछ भी कर देगा ताकि वो लाइबिलिटी को अवॉइड कर सके पेमेंट की, ठीक है, तो उसमें उस केस में क्या करेंगे, टिल दैट डेट, जिस डेट तक वो उनको वो कैलकुलेट कर रहे हैं उस डेट तक, उस पर्टिकुलर डेट तक
उसको प्रीवियस ईयर मानेंगे, ठीक है. कमेंस प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन चार्जेबल टू टैक्स इन द असेसमेंट ईयर इटसेल्फ, इट विल बी टैक्सेबल इन दैट पर्टिकुलर ईयर. मैं कुछ कुछ वर्ड्स इंग्लिश में बोल देती हूँ, तो वो लीगल वर्ड्स हैं जो कि आपकी नॉलेज में डालना ज़रूरी है, बिकॉज केवल अंडरस्टैंडिंग काम नहीं आएगी. अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, प्लस लर्निंग ऑफ प्रोविजन, बोथ इज इक्वली इम्पॉर्टेंट. इसीलिए कई कई बार मैं बीच में इंग्लिश वर्ड्स रीड करती हूँ ताकि वो प्रोविजंस रीड हो जाए आपको. दो जब रिवीजन लेक्चर्स कराऊंगी तो उसमें मैं केवल इंग्लिश वर्ड यूज़ करूँगी ताकि आपको प्रोविजंस मेमोराइज हो जाए. यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है तो मैं बहुत ज़्यादा हिंदी में बोल देती हूँ, बट रिवीजन के वक्त मैं प्रॉपरली प्रोविजंस, क्योंकि अगर लॉ आप रीड करना नहीं सीखो क्योंकि आप ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हो, नेक्स्ट इज इन रिवीजन, तो उसको रिवाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और प्रोविजंस के वर्ड्स को अंडरस्टैंड कर, क्योंकि आप टेक्स्ट में आप ऑडिट के वर्ड नहीं यूज़ कर सकते हो, ठीक है, या टेक्स्ट में आप कोई और अदर लैंग्वेज नहीं यूज़ करते, टेक्स्ट के प्रोविजन यूज़ करोगे तो ही तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है. चलिए, तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया. नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट आपका क्या है, डिसकंटिन्यूड बिजनेस. डिसकंटिन्यूड बिजनेस मीन्स जो बिजनेस लग रहा है कि अब उसका ऑब्जेक्ट पूरा हो या काम पूरा हो या लॉस हो रहा हो, ठीक है, और उसको डिसकंटिन्यू करना है. कोई भी बिजनेस हो, प्रोफेशन हो, किसी भी पीरियड में हो, ठीक है. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका इनकम, प्रीवियस ईयर जो भी लास्ट प्रीवियस ईयर गया हो कब से लेकर के तब कब तक, डिसकंटिन्यूड तक, डिसकंटिन्यूशन की डेट तक, ठीक है. वो एओ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब तक कैलकुलेट कर रहा है. प्रीवियस ईयर से जो भी प्रीवियस ईयर क्लोज हो लेकर के डिसकंटिन्यूड पोर्शन तक उस पर टैक्स कैलकुलेट कर देगा एसेसिंग ऑफिसर, ठीक है. तो हमने पांच केसेस पढ़े हैं, ये पांच केसेस हमारे जनरल रूल का एक्सेप्शन है. शिपिंग बिजनेस जो कि नॉन रेजिडेंट है, सेक्शन 172. पर्सन लीविंग इंडिया विद द इंटेंशन दैट ही विल नॉट गेट बैक, सेक्शन 174. AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन फॉर्म हुए एक पर्टिकुलर पर्पज से, वो पर्पज पूरा हो गया, ठीक है, सेक्शन 174A. फोर्थ पर्सन लिविंग लाइकली टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, ताकि वो टैक्स को अवॉइड कर सके, सेक्शन 175. एंड किसी का बिजनेस डिसकंटिन्यू हो रहा है ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन, एक्स वाई जेड रीजन, सेक्शन 176. फटाफट ये पाँचों को हेडिंग को एकदम मेमोराइज कर लें. हेडिंग को मेमोराइज करने के बाद क्विकली रिकॉल कर लें प्रोविजंस को, ठीक है. दिस इज़ द ओनली वे कि आप अपने टैक्स को तैयार कर सकते हैं. पहले तो अंडरस्टैंड कर लें प्रोविजन को, फिर रिवीजन करके ना ब्रॉड हेडिंग को मेमोराइज कर लें, और उस पर्टिकुलर हेडिंग के अंदर तो आपने कौन कौन से मेन पॉइंट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल शिपिंग बिजनेस में मैंने कुछ तीन चार मेन पॉइंट बताया कि पहला वो एनआर को बिलोंग होना चाहिए, दूसरा वो कुछ भी लेके जाए कोई मतलब नहीं है, तीसरा उसने टैक्स या तो पे कर देना है या अरेंजमेंट कर देना है, सेटिस्फैक्ट्री अरेंजमेंट, कौन सेटिस्फाई होना चाहिए, एओ सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है. फिर क्या होगा, वो जो वाहन है, वो जो शिप है, वो इंडियन पोर्ट पे खड़ा होना चाहिए, ठीक. पेमेंट क्या होनी चाहिए, आइदर इन इंडिया होनी चाहिए या इंडिया के बाहर होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो क्या होगा, कितनी अमाउंट टैक्स होगी, 7.5% टैक्स होगी, ठीक है, किसकी, फ्रेट की, पेबल, ठीक है. किसको पे करना है, किसी को भी पे कर देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. इसको क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड इनकम. तो ऐसे आपने ब्रॉड कि एक हेडिंग के अंदर आपने कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें सीखी हैं उसको आपको हाईलाइट करना है, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम रिवाइज करें तो सिर्फ हेडिंग देखें और वो पॉइंट्स को रिकॉल कर लें. ऐसे क्या है ना, आपका धीरे धीरे पूरा इनकम टैक्स कवर हो जाएगा, ठीक है. सो कोई भी डाउट हो फील फ्री टू आस्क, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक इफ़ यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू डिसलाइक द वीडियो प्लीज़ गिव योर वैल्यूएबल सजेशंस, वी विल ट्राई टू इंक्लूड ऑल योर सजेशंस. और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ इसको लाइक करें, और अगर नहीं पसंद आ रहा है तो आप अपने वैल्यूएबल सजेशंस दें ताकि उस सजेशंस को हम इन नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में डाल सकें, ताकि आपको क्वालिटी नॉलेज मिल सके, ठीक है. सो हमारे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके. जय हिंद, जय भारत.